नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब परिवार बायोलॉजी विद्यार्थी यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको न्यू टॉपिक लेकर आए थे जिस टॉपिक का नाम था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो चीज़ें आपको समझनी थी उन चीज़ों को भलीभांति समझाते हुए हम चल रहे थे। तो ये टॉपिक जो हमने शुरू किया था, ये टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते हमने आपको गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का जो सूत्र होता है, जो न्यूटन का सार्वत्रिक नियम बना हुआ है, उस नियम से भलीभांति हमने आपको तैयार करा दिया था, उस नियम को भलीभांति तैयार करा दिया था। तो आज हम वहाँ से आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। आप लोग बस मज़े से पढ़ते रहिए, साथ ही साथ अपनी तैयारी को पूरा रखें। और आप सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे जो चैनल बायोलॉजी विद्यार्थी यादव है, प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। बस अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले लगने वाले हैं, आपको जल्दी बहुत जल्दी जल्दी आपके सामने लाइव क्लास आ सकती है, अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट हो जाए। सपोर्ट कैसे होगा, प्लीज़ एक एक शेयर मिल जाए, एक एक शेयर कर दीजिए करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारी, इस रिक्वेस्ट को करने के बाद आपको हम लेकर चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक की ओर चलते हैं, वहीं पर हम बताएंगे। हमने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण का जो सूत्र होता है वो एफ बराबर निकल के आता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है ये सूत्र निकल के आता है, गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का ये फॉर्मूला निकल के आता है। और इसका जो मात्रक होता है, चूँकि ये बल है तो इसका मात्रक भी न्यूटन में लिया जाता है। किस में लिया जाता है साथियों, न्यूटन में लिया जाता है। ये बात क्लियर हुई होगी, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी आपके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। हमने आपको बताया था कि कोई दो द्रव्यमान के दो एक दो वस्तुएं हैं, कोई एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है। एक दूसरे से अगर ये r दूरी पर रखी हुई हैं तो इनके बीच एक बल कार्य करता है जिसको ग्रेविटी का फोर्स कहा जाएगा या गुरुत्वाकर्षण का बल कहा गया। और वो कौन से हैं, एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो बल होता है दोनों वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती होता है साथियों, ये जो बल होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि ये जो बल होता है, मान लीजिएगा m1 द्रव्यमान की वस्तु यहाँ है, m2 द्रव्यमान की वस्तु यहाँ है, तो दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो ये एफ समानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के, और ये एफ समानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों नियमों को जब हमने मिलाया तो ये जाके फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर ये कैपिटल जी क्या है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और इसका मान भी बताया था। ये मान इसका कहाँ से निकल के आया, इस बात को भी जरा समझ लें। तो देखिए किस प्रकार से ये मान निकल के आया है। यदि देखिए m1 का मान क्या काम किया गया, एक प्रैक्टिकल किया गया, एक वस्तु 1 kg की ली गई, दूसरी वस्तु भी 1 kg की ही ली गई, और दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा गया। कितने मीटर की दूरी पर रखा गया, 1 मीटर की दूरी पर रखा गया। अगर इसका कोई रोल नहीं होता, बात को ध्यान से पकड़ना, अगर इसका कोई रोल नहीं होता तो एफ बराबर 1 × 1 / 1 स्क्वायर, तो एफ का मान 1 न्यूटन निकल के आना चाहिए था। क्या निकल के आना चाहिए था, 1 न्यूटन निकल के आना चाहिए था। लेकिन 1 न्यूटन इसका मान निकल के नहीं आता है, तो साथियों कितना मान निकल के आता है, इसका मान निकल के आता है 6.67 × 10⁻²⁻¹⁰ इतना मान निकल के आता है। तो क्या मान लिया गया कि ये सारी की सारी चीज़ें बन हैं, तो इसकी तो वैल्यू बन हो गई, लेकिन फिर भी गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से जो एफ का मान निकल के आता है वो 6.67 × 10⁻¹⁰। तो ये किसका प्रभाव है, तो अर्थात ये जो समानुपाती स्थिरांक आया हुआ है कैपिटल जी, तो यही कह दिया गया है कि ये इसी का मान है, ये इसी का मान है। तो समानुपाती स्थिरांक गुरुत्वाकर्षण, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का समानुपाती स्थिरांक है, उसका मान बता दिया गया 6.67 × 10⁻¹⁰। अब इसका मात्रक भी देख लीजिएगा, इसका मात्रक क्या होगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक में प्रवेश करते हैं। इसके मात्रक को भी समझ लें, तो देखिए सूत्र आपको पता है कि एफ बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2 / r स्क्वायर। यहाँ से हमें जी का मान मात्रक निकालना था, किसका मान निकाल मात्रक निकालना था, जी का मात्रक निकालना था। जी का मात्रक हम किस प्रकार निकाल सकेंगे, जी का मात्रक हम इस प्रकार निकाल सकेंगे, जी को तो यहीं रखिए, बाकी ये सब की सब चीज़ें इधर भेज दीजिएगा। जब चीज़ें ये इधर आएंगी तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, वो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 × m2 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का मान ये हो जाएगा, कैपिटल जी का मान ये हो जाएगा। तो इसी के आधार पर इसका मात्रक निकालने को कहा गया, क्या निकालने को कहा गया,
मात्रक निकालने को कहा गया, इसी के आधार पर इसका मात्रक निकल के आता है। क्या मात्रक निकल के आता है साथियों? तो देखो ये बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इनटू ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एम वन इंटू एम टू, दोनों द्रव्यमान है और द्रव्यमान का ऐसा ही सिस्टम में जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, तो साथियों क्या हो जाएगा ये के जी स्क्वायर। तो इसी प्रकार कैपिटल जी अर्थात हम कह सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कौन सा नियतांक साथियों? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका जो है मात्रक क्या निकल के आया है साथियों? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो एक शब्द में अगर इसको हम लिखना चाहें तो एक शब्द में कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आती है साथियों, ये वैल्यू निकल के आती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होंगी। अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हो तो बढ़ते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों, इतनी बात समझ में आई होगी, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे की ओर क्या अब देखना है, अब हमको ये देखना होगा गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है इसका महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, तो समझ लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। पहला महत्व देख लीजिएगा क्या होता है साथियों, इसका पहला महत्व यही है कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं साथियों, किधर फेंकते हैं? जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह लौटकर पुनः वापस आ जाती है पहला महत्व तो इसका ये रहा साथियों, याद कर लेना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व क्या है। पहला महत्व आपको यही दिखाई देता होता है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पुनः लौटकर वापस आ जाती है। किधर आ जाती है? वापस लौट आती है। दूसरा देखिए इसका महत्व क्या हो जाएगा, दूसरा महत्व यही है कि गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी के आसपास वायुमंडल विद्यमान है। ये इसका दूसरा महत्व रहा, वायुमंडल विद्यमान है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के आसपास जो है वायुमंडल विद्यमान है। हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर आसपास क्या विद्यमान है? तो आंसर है वायुमंडल का, जो वायु का आवरण है वो विद्यमान है। तो वो किसके कारण टिका हुआ है? तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है। किसके कारण टिका हुआ है साथियों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है। ये इसका दूसरा, एक और जो इम्पोर्टेंट इसका महत्व होता है वो भी समझ लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण या हम कह सकते हैं गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना संभव है। कोई भी प्राणी जो पृथ्वी की सतह पर, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे अन्य प्राणी हो, ये सब के सब पृथ्वी की सतह पर चलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण चलते हैं? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भलीभांति चल पाते हैं। साथियों ये बात ध्यान रखना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही प्राणियों का चलना संभव होता है जो पृथ्वी की सतह पर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में चलना बहुत कठिन हो जाएगा, अर्थात चल नहीं पाएंगे।
बात क्लियर हुई यहाँ की, यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी आप लोगों की, तो प्लीज इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। ये तीन महत्वपूर्ण महत्व थे, किसके थे? गुरुत्वाकर्षण के जो नियम था, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया गया, उसके ये तीन महत्वपूर्ण नियम है। चलिए साथियों, यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। अब आपको हम लेकर चल रहे हैं, केपलर ने जो नियम बनाए थे ग्रहों की गति के संबंध में, जो नियम दिए थे उनके बारे में चलते हैं। ग्रहों की गति के संबंध में जो नियम दिए थे, तो हेडिंग डाल लो केपलर के ग्रही गति संबंधी नियम, केपलर के ग्रही गति संबंधी नियम। जो केपलर ने नियम दिए थे ग्रहों की गति के संबंध में, नियम दिए थे केपलर ने, इन नियमों को समझना है, भली बात जानना है, एक एक चीज को समझते हुए चलना है। क्या नियम दिए थे केपलर साल में? तो आंसर है, इन्होंने तीन नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे साथियों? तीन नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे? पहला नियम इन्होंने ये दिया था, प्रथम नियम में इन्होंने ये कहा था, ये बताया था प्रथम नियम में, कि कोई भी ग्रह हो, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। कैसी कक्षा में घूमता है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, किस कक्षा में बताया था? कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। किस कक्षा में घूमता है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। अब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा कैसी बनाओगे आप लोग? तो बिल्कुल वृत्त जैसी नहीं बनानी है। कैसी बनानी है? तो ध्यान से देखना, जैसी हम यहाँ पर बना रहे हैं, जैसी हम यहाँ पर बना रहे हैं, एक ये हमने बनाई और एक ये बनाई, दोनों में कोई ना कोई अंतर होगा। तो आंसर है, दोनों में कोई ना कोई अंतर है। क्या अंतर है? तो आंसर है, इसके पास कोई ध्रुव नहीं है और इसके पास कोई ना कोई ध्रुव है, इसके पास कोई ना कोई ध्रुव है। इसके दो पोल से दिखाई दे रहे होंगे, ये इसका इधर वाला सिरा और ये इसका इधर वाला सिरा, और इसमें आप जाओगे तो कहीं भी कोई सिरा नहीं भर रहा है, इसके दो सिरे भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं साथियों? इसके कम से कम दो सिरे भर रहे हैं और इसमें कोई भी सिरा नहीं भर रहा है। तो इस प्रकार केपलर ने पहले नियम में ये बताया है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। कैसे घूमता है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है और सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। सूर्य कहाँ स्थित होता है? सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा को हमने देखो यहाँ से मान लिया, ये इसका सेंटर रहा। अब देखिएगा कैसे घूमेगा, कि सूर्य यहाँ है हमारा, सूर्य हमारा यहाँ है, और यहाँ पर कोई ग्रह है। सूर्य हमने मान लिया कि ओ बिंदु पर है और ग्रह मान लिया ए बिंदु पर है। तो ये इस प्रकार घूमता है कि कभी यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये चलता हुआ ऐसे जाएगा कि जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा, सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा, और घूमकर लौट आएगा, जब यहाँ आ जाएगा तो ये ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक दूरी पर होगा। तो इस प्रकार की कक्षा, इस प्रकार की वृत्ताकार कक्षा में घूमना, जब किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर इस प्रकार वृत्ताकार कक्षा में घूमना कि जब कभी इस बिंदु से इस ग्रह की दूरी सबसे ज़्यादा हो जाए और कभी इस ग्रह की इस बिंदु से दूरी सबसे कम हो जाए, तो इस दूरी को, इस वृत्ताकार कक्षा को नाम मिल जाता है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। क्या नाम मिल जाता है साथियों? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा नाम मिल जाता है। तो इसको नाम मिल गया दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। चलिए हम लिखे दे रहे हैं इस परिभाषा को, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। पहले नियम में केपलर ने, इनका जो पूरा नाम था वो पूरा नाम था जोहान्स केपलर। क्या नाम था इनका? पूरा नाम था जोहान्स केपलर। अब क्वेश्चन आपके सामने कहाँ से बनने वाला है? क्वेश्चन जो आपके सामने बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना बन सकता है, ये पूछ सकता है
कि ग्रहों के गति के संबंध का जो नियम है वो किसने दे दिया गया। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हो सकता है ये दे दिया है कि न्यूटन साहब ने दिया था, या जोहान्स केपलर ने दिया गया था, या ये कह सकता है कि आर्यभट्ट ने दिया था, या फिर ये कह सकता है टॉलमी ने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है ग्रहों की गति के संबंध में जो नियम दिया था वो जोहान्स केपलर साहब ने दिया था। और कितने नियम दिए थे, तो आंसर है 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या कहता था, पहला नियम ये कहता था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है, सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। तो साथियों एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपको मजा आने वाला है यहाँ पर पढ़ने में। एक एक चीज़ क्लियर कराते हुए चलते हैं। तो पहला नियम यही हो गया, अब दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है उसको भी समझ लें। द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम यह कहता है कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। ये दूसरा नियम बताया गया। दूसरे नियम में एक आ गया कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। कैसे, उदाहरण के तौर पर हम आपको ऐसे बताने के लिए जाते हैं। हमने मान लिया कि ये एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है और ये हमारा रहा सन, ये हमारा रहा सूर्य, ये सूर्य रहा और यहाँ पर ये ग्रह रहा, यहाँ पर कोई ग्रह है। ये सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा जो है वो ये रेखा हमने कर ली और इस रेखा को नाम दे दिया हमने ए बी। क्या नाम दे दिया, इस रेखा को नाम दे दिया ए बी। अब क्या होगा, ये आ गया इस नियम में कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। कैसे देखोगे, तो देखो अभी ये मिलाने वाली रेखा हो गई ए बी, अब इसने चलना शुरू किया, हमने कहा कि 3 मिनट में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई ए बी, 3 मिनट में बी से कहाँ पहुँच गई बी डैश। तो इसके द्वारा एक एरिया बनाया गया, वो एरिया कितना है, आंसर है ये एरिया है। इसके द्वारा जो एरिया बनाया गया वो इतना क्षेत्रफल बनाया गया। तो देख लीजिएगा क्षेत्रफल का कौन सा पार्ट है, तो आंसर है ए बी बी डैश। ये जो एरिया बनाया गया है वो कितने समय में बनाया गया, तो आंसर है ये 3 मिनट में बना दिया गया। कितने मिनट में बना दिया गया, 3 मिनट में बना दिया गया। तो नियम के अनुसार देख लीजिएगा, जब 3 मिनट में, मान लीजिएगा कि अब ये यहाँ से यहाँ गया ए बी, ग्रह यहाँ आ गया, या बी डबल डैश मान लीजिएगा, अब ये यहाँ से चलेगा तो 3 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है बी ट्रिपल डैश। अब देखिएगा 3 मिनट में इसके द्वारा बनाया गया जो एरिया है, यहाँ से चला और इतना एरिया बनाया, पहले 3 मिनट में बनाया गया एरिया कितना था, ये था, यहाँ से चला ए बी बी डैश। अगले 3 मिनट में यहाँ हमने देखा आके, तो देखा कि एरिया 3 मिनट में कितना बनाया इसने, ए बी डबल डैश और बी ट्रिपल डैश, इतना एरिया बनाया गया। तो 3 मिनट का एरिया ये भी है और 3 मिनट का एरिया ये भी है। तो द्वितीय नियम यही तो हमें बताता है, द्वितीय नियम यही कहता है कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात अगले जो 3 मिनट में क्षेत्रफल बनाया गया ए वी डबल डैश बी ट्रिपल डैश, ये कितने समय में बनाया गया, ये भी 3 मिनट में बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल ए वी वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए बी डबल डैश बी ट्रिपल डैश, ये दोनों के दोनों क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे,
ये दोनों के दोनों क्षेत्रफल आपस में साथियों बराबर होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं। तो ये था, हम कह सकते हैं केपलर का ग्रहों के गति के संबंध में जो नियम था उनमें से दूसरा नियम ये था। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, आगे जो वीडियो आपको आएगी वो कल आपको मिल जाएगी, आगे की वीडियो आपको कल प्रोवाइड हो जाएगी। छोटी छोटी वीडियो रखेंगे ताकि आपको देखने में भी आसानी ना हो और भली बात देखा करो। और वीडियो को पूरा देखना मत भी भूलिएगा, पूरी वीडियो देखा करो। ऐसा करते हो कि वीडियो को आधी केवल देख लिया और छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करो, लाइक शेयर कमेंट भी करो, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों से यही उम्मीद है कि आप, हम जिस प्रकार आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं उसी प्रकार आप लोग भी मन से हम लोगों का सपोर्ट कर दो। एक बार शेयर कर दो वीडियो को। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो हम क्या काम करेंगे, आपको बहुत जल्दी लाइव क्लास देना शुरू हो जाएंगे। जब लाइव क्लास मिलना शुरू हो जाएगी तो आपके जो डाउट्स हैं वो भी हाल के हाल तुरंत क्लियर होते चले जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होने वाली नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार के समर्थन के लिए। तो आगे की जो वीडियो ऐसे वो कल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।